नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस जौनपुर। डीएस जौनपुर में आपका स्वागत है। जौनपुर जिले के शाहगंज में जेसीआई शाहगंज संस्कार द्वारा सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज में एम्पावरिंग यूथ की ट्रेनिंग जोन ट्रेनर जेसी आलोक सेठ द्वारा कराया गया, जिसमें जोन ट्रेनर आलोक सेठ ने बताया कि आपको अपने सोच को बड़ा बनाना है तो निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा जाएंगे। आप अपनी सोच को बड़ा बनाएं, आपको उसके लिए लगन और कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारण करना होगा। उसे पाने के लिए आपको विभिन्न परिस्थितियों में भी योजना बनाकर नियमित तरीके से कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। कार्यक्रम की शुरुआत जेसी हसन मेहंदी ने आस्था के पाठ के साथ की। अतिथि परिचय कार्यक्रम संयोजक जेसी साहिद नईम प्रधानाचार्य सर सैयद अहमद इंटर कॉलेज ने किया और आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष जेसी पंकज सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जोन डायरेक्टर जोन थर्ड जेसी इंडिया जेसी गुलाम साबिर ने इस ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ट्रेनर आलोक सेठ ने जो भी बातें आपको बताई हैं उस पर अमल करते हुए आप निश्चित तौर पर जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे आप कामयाब होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन संस्था सचिव जेसी मेहंदी हसन व आभार प्रदर्शन कार्यक्रम संयोजक जेसी साहिद नईम ने की। सह कार्यक्रम संयोजक जेसी एकलाख खान, सह कार्यक्रम संयोजक जेसी रविशंकर वर्मा, जेसी आसिफ, जेसी संतोष पांडे, जेसी जितेंद्र यादव सहित अन्य पदाधिकारी सदस्य अध्यापक व छात्रों ने इस प्रशिक्षण में भाग लेकर प्रशिक्षण को बनाया। शाहगंज संस्कार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इस सत्र के अध्यक्ष जनाब पंकज सिंह जी आए और हम सबको यहां तक पहुंचाने वाले डायनेमिक प्रेसिडेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनाब गुलाम साबिर जी से गुजारिश है कि वह आए। आइए, जिसका इंतजार था, जो आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, हम लोग के मार्गदर्शक, हम लोग के चहेते आज आपके भी चहेते हो जाएंगे। हमारे जोन के एक बेहतरीन ट्रेनर जनाब आलोक सेठ जी आपके सामने हाजिर हैं। हमारे बच्चों, योजना पूरी हो चुकी है। अब हम जेसीआई का जो पहला कार्यक्रम होता है आस्था पाठ, उसके लिए आप लोग खड़े हो जाइए। आस्था मानव जीवन को साक्षरता एवं उद्देश्य प्रदान करती है कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से परे है, कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है, कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए, कि वसना की महान विधि मानव व्यक्तित्व में निहित है, कि मानवता की सेवा जीवन की सर्वोत्तम सेवा है। जय जेसी, जय भारत। सर और जून ट्रेनर आलोक सेठ जी उपस्थित हैं, हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे मार्गदर्शक। अगर शाहगंज संस्कार इस बुलंदी में चल रहा है, अपने कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, तो सबसे बड़ी भूमिका हमारे मार्गदर्शक राजेंद्र सर का है। अगर इनका साथ न होता तो हम लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन न करते। 2017 को विद्यालय बंद होना था और हमने कहा सर एक दिन का समय हमारे दे दीजिए, तो एक दिन का उन्होंने समय दिया। 20 को सकता आज विद्यालय बंद होता, लेकिन कार्यक्रम बनाते उन्होंने विद्यालय खोला, इसलिए मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने इसलिए जो है स्कूल खोला, रुझा भी है, उसके बाद भी समय दे रहे हैं पूरी तरह से बिना जल के बिना किसी के, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जो है कि आपने इतना अवसर प्रदान किया हम लोगों को कि एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग भी सुनियोजित ढंग से संचालित कर सकें। बहुत कुछ कारण नहीं है, चूँकि ट्यूटर साहब बैठे हुए हैं, समय अभाव भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार तालियों से हमारे सर का स्वागत करिए।
धन्यवाद अध्यक्ष जी, मंच उपस्थित सारे हमारे हमारे जोन के गुलाम साबिर भाई, आज प्रिंसिपल साहब जो यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं, सभी को पहले गुड मॉर्निंग। इतने लोग हैं, स्ट्रेंथ और आवाज इतनी धीमी से आ रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये ट्रेनिंग कौन करा रहा है आपको मालूम है? जेसीआई के द्वारा हो रहा है, जेसीआई सागन संस्कार। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जेसीआई के बारे में जानते हैं कि जेसीआई करती क्या है? युवाओं की सबसे बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो मेंबर होते हैं 18 से लेकर 40 वर्ष के मेंबर ही इसमें होते हैं, ठीक है। और जेसीआई जैसे अभी आस्था पाठ पढ़ा गया, जेसीआई 5 फील्ड में काम करती है, लेकिन उसकी जो पूरी थ्योरी होती है उसकी आस्था में समाहित होती है। आस्था पहले क्या पढ़ा गया? हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है, सही है कि नहीं? ईश्वर में, भगवान में, अल्लाह में सबका विश्वास होना चाहिए कि नहीं? कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए। हाँ, शासन किसका होना चाहिए? व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए। वसुधा की महानिधि मानव व्यक्तित्व में निहित है। जो मानव का व्यक्तित्व है उसमें क्या है? वसुधा की महानिधि निहित है। मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। मानवता की जो सेवा हम लोग करते हैं वो जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। कई प्रकार से सेवा करते हैं, गरीबों की, किसी के पास कुछ नहीं है उसके लिए हम लोग, किसी एजुकेशन नहीं है, कोई बच्चा गरीब है पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए, पढ़ाई के लिए हम लोग उसको पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह आती है, जेसीआई से उसको प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से बहुत सारे काम है जो जेसीआई करती है सोशल वर्क के अलावा। और लेकिन जो जेसीआई बनी है उसका मूल जो उसकी आत्मा है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंटर के हैं? सब लोग पहले हाथ उठा लें जो फाइनल ईयर के। इलेवेंथ में, इलेवेंथ के भी हैं, हाई स्कूल, इसके अलावा भी कोई है? नाइन्थ के भी हैं क्या? अच्छा, हम लोग स्कूल में आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। हम सारे लोग यूथ हैं, क्या है? यंग है, ठीक। हम लोग सोच होगी कुछ चीज हम मन में बैठा के स्कूल में पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ के कुछ करना है। सबके अंदर है कि नहीं कुछ? क्या करना चाहते हैं बताओ? क्या नाम है? क्या करना है? अपना अपना बिजनेस करना है। देखिए, हम लोग के माता पिता जब हम लोग को स्कूल में भेजते हैं तो उनके कुछ सपने होते हैं। क्या सपने होते हैं? कि अगर हम नहीं कर पाए तो हमारा बेटा कर सकता है, ठीक। इसी तरह से बच्चों का भी ड्रीम होता है, किसी को देख के वो इंस्पायर होते हैं कि हमें भी इनकी तरह बनना है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है, ठीक। किसी का कोई सपना है बताओ? कुछ है? क्या नाम है? कोई ड्रीम है, सपना है? इंजीनियर बनना है, ठीक है। बाल के पास कुछ ना कुछ सपना होता है, ठीक है। कोई इतना सोचता है, कोई इतना सोचता है, कोई इतना सोचता है, ठीक। लेकिन सभी के पास कुछ ना कुछ सपना होता है। किसी के पेरेंट्स कितनी मेहनत करके, कितनी तकलीफें झेल के अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा, ठीक है। कितने लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को जानते हैं? सिर्फ जानते हैं कि उनके बारे में कभी पढ़ा है? पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? क्या
क्या कौन थे वो? मिसाइल मैन। और कौन थे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। उनके बारे में कभी पढ़ा उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि सपने जब देखो तो बड़े देखो, जब देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटे देखने से क्या फायदा। जब भी हम अपना ड्रीम जब भी बनाइए, सपना जीवन में जब भी बनाइए तो बड़े से बड़ा बनाइए। अभी हम सर से पूछ रहे थे, सर ने बताया हमें कि 86-84% हाई स्कूल या इंटर में इस साल का सबसे हाईएस्ट है। एक जौनपुर का लड़का है सेंट पैट्रिक का, वो एग्जाम देता है, ठीक है, बड़ी मेहनत करके आप लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन उसने वो सपना बनाया कि हमें टॉप करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत छोटा सा ड्रीम बनाते हैं, आप चाहे तो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आप अपने में रखिए, आप अगर चाहें जो चाहे वो बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग डरते हैं, डर हम लोगों को समझने को क्या करता है, क्लीन कर देता, मार देता है। हम लोग हर समय डरते हैं कि अगर अरे नहीं इतना बड़ा हम कैसे कर सकते हैं। अगर यही अब्दुल कलाम आजाद की आप स्टोरी पढ़िए, किसी की पढ़िए, धीरू भाई अंबानी की पढ़िए, रतन टाटा की पढ़िए, सभी लोग कहां से कहां पहुंचे, हर से कॉन्फिडेंस ने उनको बढ़ाया है। तो इसकी बात बता रहा हूँ, योगेश नाम है, योगेश गुप्ता है, नई गंज आपको जौनपुर में रहने वाला, हाई स्कूल में उसने पूरे इंडिया में टॉप किया है 99.8% के साथ। अगर उसका ये सोचता हो कि हिंदुस्तान में इतने बच्चे हैं मैं कैसे टॉप कर सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या करनी है, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। क्या करना है? जब देखिए तो बड़ा सोचिए। 40 दिन के पहले आज मेन पॉइंट छुट्टी के दिन हम लोग बोला रहे कि आपके दिन में आए हैं, क्यों आए हैं? इन 40 दिनों में आपका एम क्या होना, आपका लक्ष्य क्या होना, सपने क्या होते हैं? सपने वो नहीं होते जो हमें सोने में दिखाई देते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपका भविष्य बनाने के, आपका जो भविष्य आपके हाथ में, अब आप अपने भविष्य को कैसे बनाएंगे? 40 दिनों में कितना समय आप अपने आप को देंगे, कितना समय आप परिवार को देंगे, कितना समय आप खेलने में देंगे, कितना पढ़ाई में देंगे, वो आप तय करें। हम लोग का काम है यूथ एम्पावरिंग के माध्यम से देश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए हम निकले हुए हैं। अब बनाना काम आपका है, आप सारा गोल आपके हाथ में, इन 40 दिनों में आपको तय करना है कि हम 40 दिन बाद आएंगे तो हमारे अंदर कितनी चेंजिंग होगी। एक टाइम कहता है सर, मैं बात करूं, एहसास से बढ़ जाती है हर दर्द की लज्जत, एहसास से बढ़ जाती है हर दर्द की लज्जत, महसूस करोगे तो बहुत बढ़े। आप लोग शुभकामनाओं के साथ हम लोग यही भी बात को फैलो करते हैं और 40 दिन बाद फिर हम लोग कोई भी ट्रेनिंग प्लान वहाँ लेके आएंगे, उसपे आप लोग उसके अंदर ट्रेनिंग लाएंगे। माय नेम इज अहमद मुआविया खान। आलोक सर ने अभी हम लोग को बताया है कि हमें पूरी ज़िंदगी में कभी अपने ड्रीम को कम नहीं समझना चाहिए, हाई लेवल की सोच रखनी चाहिए। और कभी पहले एग्जांपल दिए हैं कि जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी इतने बड़े बन सकते हैं, हम भी नहीं बन सकते हैं। और जब भी सोचना है 100% सोचना है, जो भी काम करना है 100% मन लगा के करना है, और ईमानदारी ऑनेस्ट दार रहना है। और पांच इसका हम्बल ऑनेस्ट ईमानदारी हैप्पी हाई जी ट्रेनिंग आज लास्ट डे आपको कराई गई, समय भी लिया गया आपका, कॉलेज आपका बंद हो रहा है और आपको बताया गया है कि तमाम आपको होमवर्क दे रखे गए हैं। ये भी बताया गया है कि जुलाई में जब आपका स्कूल खुलेगा तो पहला टेस्ट होना है,
11 से 15 के बीच, सिक्स मंथली एग्जाम के बारे में भी आपको बताया जा चुका होगा कि सितंबर में होगा, एनुअल एग्जाम आप जानते हैं कि जनवरी में होता है, बोर्ड वालों का फरवरी में। सर ने शुरू किया था तीन टाइम का आपको गोल करना है, लक्ष्य बनाना है, तीन टाइम के लक्ष्य होंगे आपके, एक शॉर्ट टर्म होगा, एक मिड टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म होगा। तो जैसे टेस्ट जो आपका होता है, एक चैप्टर जो होता है ये शॉर्ट टर्म का होता है, इसमें आप नंबर बड़े अच्छे पाते हैं, 10 नंबर का होता है, कुछ लोग 10 नंबर भी पाते हैं, 9 पाते हैं, 8 पाते हैं, 6-7 के नीचे तो शायद ही कोई जाता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। सिक्स मंथली एग्जाम आता है तो आपके परसेंटेज कुछ और डाउन हो जाते हैं, पता चलता है कि आप 80% रह गए, एनुअल एग्जाम आते आते आप और डाउन हो जाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जा रहे हैं। तो आप अपने लक्ष्य पर कैसे बने रहेंगे, कैसे कंसंट्रेशन आपका होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर किसी आलोक सेठ जी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया, अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया, जिनको आप जानते थे लेकिन सिर्फ आप नाम जानते थे, वो कहाँ से कहाँ आए, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी कहाँ से शुरू हुए और कहाँ आए ये नहीं आप जानते, उनकी कहानी क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में आप जानते हैं, नाम सुन रखे हैं कि राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, लेकिन वो मछुआरे थे। अभी एक लड़के से पूछा सर ने कि आप क्या करना चाहते हो, उसने बताया कि बिजनेस करेंगे, हमारे पापा बिजनेस करते हैं, एक ने बताया डॉक्टर बनेंगे, हो सकता है उसके पापा डॉक्टर हो, तो आप वही करना चाहते हैं जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है या जहाँ पर आप थे। सर ने ये बताया कि आप एक सेफ जोन तो है ही है, आप तो बिजनेसमैन हो ही हो ऑलरेडी, उससे कुछ हट के सोचो, डॉक्टर तो आपके पिता थे ही, उससे कुछ हट के सोचिए। हम यहाँ अक्सर स्पीच दिया करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है कि मेरा एक लक्ष्य है कि विद्यालय से कोई IAS बने, आज तक कोई नहीं बन पाया, 1965 से विद्यालय चलता है, लेकिन इस विद्यालय का कोई छात्र IAS नहीं है, PCS तो है, IAS नहीं है। टारगेट्स 2-3 साल से मैंने यहाँ पर कह रखा है कि आप प्रयास करिए, मुझको उम्मीद है कि ये आप सुनते सुनते भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसी आशा है। इसी आशाओं में ये ट्रेनिंग मैं कराता रहता हूँ, संस्था JCI का बहुत बहुत आभारी हूँ, ये ट्रेनिंग को कहीं भी करा सकते थे, तमाम विद्यालय हमारे आसपास, ऐसा नहीं कि आप इसके योग्य थे, ये आपका लगन, आपका प्रयास और आपके सीखने की जो क्षमता है उनको देखते हुए हमने सर से रिक्वेस्ट किया, साबिल भाई से रिक्वेस्ट किया, अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट किया, सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट किया, बड़ी मेहनत से ये ट्रेनिंग आपके लिए लाई गई। तो आपने अगर इसमें कुछ भी सीखा होगा तो हमारा ये प्रयास सार्थक हुआ होगा, सर का ये कहना सार्थक हुआ होगा और आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, क्योंकि जो पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, जो गोल कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप जीवन बिताएंगे, 5H का जो फार्मूला दे रखा है उस पर जरा भी अगर आप अमल करेंगे तो आप असफल हो ही नहीं सकते। मैं JCI संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने आलोक सेठ जी का जो बहुत दूर जौनपुर से चलकर आए हुए हैं, अपने तमाम बिजनेस को छोड़ते हुए आए, आपकी ट्रेनिंग के लिए आए, मैं उनका भी आभारी हूँ। अध्यक्ष जी का अपना विद्यालय बंद करके आए, सेक्रेटरी जी अपना विद्यालय बंद करके आए, मैं तमाम लोगों का आभारी हूँ। दीपक सिंह हमारे विद्यालय के स्टूडेंट है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, JCI से जुड़े हुए हैं और तमाम प्रोग्राम को हमारे कवर करते हैं, मीडिया का अच्छा कवरेज हमारे विद्यालय को देते हैं, मैं इनका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। याद रखिएगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान। जैसा कि सर ने कहा कि यहाँ से कोई बेटा IAS नहीं बना, मेरा विश्वास है, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि जब 4-5-7-10 साल के बाद सर खुद ही उनको फोन करके कहेंगे नहीं, मेरे विद्यालय से एक नहीं 10-10 IAS निकले, ऐसा भी है। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी आपका दिमाग यहाँ पर है कि उसे कुछ थोड़ा सा दिया जाए जिसे आप डेवलप करें, इसलिए आपके प्रिंसिपल साहब, आपके चहेते, हम लोग के मार्गदर्शक, जो इनकी तमन्ना है, इन तमन्नाओं को आप जरूर पूरा करेंगे, इस उम्मीद पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। और सिर्फ मेरी एक लाइन ये है कि आप अपनी जिंदगी के लिए, अपने अपने परिवार, गांव और देश के लिए सबसे पहले एक टारगेट सेट कीजिए, उस टारगेट को आप जब चेस करने की कोशिश करेंगे तो आपका रास्ता अपने आप
बनता चला जाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और इस विद्यालय के प्रिंसिपल जनाब लैम साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपके लिए इस ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया। एक बार जोरदार ताली आपको। आपके भाई को सलाम, आपने बहुत देर तक सुना, बहुत इत्मीनान से सुना, आपने जीवन में उतारा और उतारने की कोशिश करेंगे। बस दो मिनट का समय और है, मोमेंटो गिफ्ट करना है, जिसे सबसे पहले आपके जो ट्रेनर जनाब आलोक सेठ साहब को देंगे हमारे अध्यक्ष और फाउंडर अध्यक्ष जनाब गुलाब सागर जी और जनाब पंकज सिंह जी गिफ्ट कर देंगे। जैसे शागर संस्कार के वर्तमान अध्यक्ष जनाब पंकज सिंह जी।